प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग घर पे ही होंगे और अच्छे होंगे। आज हम छठी कक्षा के हिंदी पल्लव पाठ्य पुस्तक से पाठ 10 बाघ और बटोही पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस पाठ में बाघ और बटोही यानी पोती को लेकर क्या कहानी सुनाई गई है। इस पाठ में बहुत सारे चित्र देकर कहानी बताया गया है। इस कहानी में चित्र दे देकर कुछ बातें दे गई है, इसे हम चित्रकथा कहते हैं। यह पाठ एक चित्रकथा है। चित्रकथा यानी चित्र देखकर आप स्टोरी ना भी पढ़े तो भी चित्र देखकर एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कहानी में क्या कहा गया होगा। इस चित्रकथा में एक बुरे बाघ की चतुराई और बटही का लालच दिखाया गया है। तो आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं यानी जानते हैं। एक बाघ इतना बुरा हो गया था कि शिकार नहीं कर पाता था। एक दिन दलदल वाले तालाब के पास उसने सोने का कंगन देखा। इसे उठा लूं शायद कभी काम आए। कोई इधर आए तो उसे कंगन का लालच देकर फंसाऊंगा, अर्थात फंदा ना। मतलब एक बुरा बाघ था, वो बुढ़ापे के कारण शिकार नहीं कर पाता था। बुरा बाघ ने एक दिन दलदल वाले तालाब के पास चूने का कंगन देखा। तालाब के पास चूने का क्या देखा? कंगन देखा। कंगन यानी चुड़िया जो औरतें और लड़कियां पहनती हैं। कंगन को बुरा बाघ ने उठा लिया और सोचने लगा, कोई इधर आए तो उसे कंगन का लालच देकर फंसाऊंगा और खा जाऊंगा, अर्थात फंदा तला। प्यारे बच्चों, बुरे होने पर बाघ ने क्या तरकीब सोची? तरकीब यानी उपाय। बुरा बाघ को जब छूने का कंगन मिला तो उसने कंगन का लालच अर्थात लोभ देकर किसी को फंसाने की तरकीब सोची। तो आगे देखते हैं। थोड़ी देर में एक बटोही तालाब के दूसरे किनारे पर आया। तो बटोही तालाब के किस किनारे पर आया? दूसरे किनारे पर आया। बाघ ने उसे देखा। मुझे आदमी का मांस अच्छा लगता है और आदमी को शरण प्रिय है। मतलब थोड़ी देर में तालाब के दूसरे किनारे पर एक बटही आया। बटही यानी पोती। और बाघ ने बटही को देखा। वो जानता था कि आदमी को सोना प्रिय है और उसे आदमी का क्या प्रिय है? मांस प्रिय है खाने के लिए। तब बाघ ने कहा, अरे भाई सुनो, यहाँ सुने का कंगन लोगी? तब बाघ ने कहा, अरे भाई सुनो, यहाँ सुने का कंगन लोगी? मेरे काम का तो है नहीं। बटही ने सोचा, सुने का कंगन जी ललचाता है पर जन खतरे में डालने नहीं चाहिए। मतलब बटही ने सोचा, जब बाघ ने बटही को सोने का कंगन दिखाते हुए कहा, यहाँ सोने का कंगन ले लो भाई, मेरे काम का तो है ही नहीं। बाघ की बातें बटही को विश्वास नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, बाघ एक हिंसक जानवर है। बाघ हिंसक जानवर है तो बाघ को कौन विश्वास करेगा? बाघ के पास जाओगे तो वो बाघ खा जाएगा, है कि नहीं? तो आगे देखते हैं। उसने यानी बटही ने बाघ को देखा। हूँ कंगन
मैं ले तो लूं, पर तुम्हारे जैसे हिंसक जानवर का विश्वास कैसे करूं? हिंसक यानी हिंस। तब बाघ ने कहा, तुम्हारा संदेह ठीक ही है। मैंने जिंदगी में बहुत पाप किए हैं, पर अब एक सन्यासी की सिख से बदल गया हूँ। तुम आकर कंगन ले जाओ। मतलब बटोही जानता है कि बाघ हिंसक जानवर है, हिंसक यानी हिंस्र जंतु। लेकिन बुरा बाघ अपनी ओर से सफाई देते हुए कहता है कि उसने जीवन में बहुत पाप काम किए हैं, लेकिन अब एक सन्यासी की सिख से बदल गया है। तब बटोही ने बाघ को कहा, मैं उधर आया तो मेरी गंध पाकर तुम सन्यासी की सीट भूल जाओगे। इसका उत्तर में बाघ ने चतुराई से कहा, नहीं बोलूंगा, फिर बुरा हो गया हूँ। मेरे नाखून यानी नख घिस गए हैं, अर्थात घिस गए हैं मतलब खोय हुआ। तुम डरो मत, तालाब में उतरो, तुम तालाब में आकर उतरो और इधर आकर कंगन ले जाओ। बटही पर सोने का लालच ऐसा सवार हुआ कि बाघ का डर भूल गया। बटही ने सोचा, लगता है बाघ सच कह रहा है, मैं उस पर जाकर कंगन ले लूं। मतलब बटही कहा कि तुम मेरी गंध पाते ही, अर्थात मनुष्य का गंध पाते ही सब कुछ यानी सन्यासी की सीख भूलकर मुझे खा जाओगे। बाघ ने बहुत ही चतुराई से अपने को दुखी दिखाते हुए कहा कि नहीं बोलूंगा। अरे भाई, नहीं बोलूंगा, देखो मेरे जो नाखून है वो घिस गए हैं, मैं शिकार ही नहीं कर सकूंगा। मेरी बातें विश्वास करो। जब बाघ ने कहा कि मेरी बातें विश्वास करो भाई, और आकर कंगन ले जाओ। बटोही ने बाघ की बातें सुनकर बटोही पर सोने का लालच ऐसा सवार हुआ कि वो बाघ का डर भूल गया और तालाब के उस पार जाकर कंगन लेना चाहा। उसने तालाब में 2 सर कदम यानी अर्थात 2 सर ही खुश देते ही उसने तालाब में 2 सर कदम ही रखे थे कि बाप रे, मैं दलदल में फंस गया। तो बटही ने कहने लगा, बाप रे, मैं दलदल में फंस गया, अर्थात मैं दलदल माने बुकात हुमाई पुरी लू, कोई निकालो। मतलब जब बटही दलदल में फंस गया तो बाघ अपने असली रूप में आ गया और कहा, हो तुम फंस गए, पर घबराओ मत, अर्थात तुम्हें आतंकित न होगा, मैं आकर तुम्हें निकालता हूँ। बाघ भयंकर मुद्रा में धीरे धीरे बटोही की ओर बढ़ा और उस पर झपट पड़ा। भयंकर मुद्रा में अर्थात भयानक भंगिमा में, मतलब बाघ अपनी जो खासियत थी अपने हिंस्र रूप में आकर दलदल में फंसे बटोही पर आक्रमण कर देता है। तब बटोही ने बाघ की असली रूप देखकर मन ही मन कहता है कि हाय, बड़ा मूर्ख हूँ जो लालच में पड़कर मैंने विवेक टेक दिया। जे की कैसे बटोही अर्थात बटो रोय जे मैं लुभत पूरी निजर विवेक टेक दिलू बा विवेक हराई पेलालू। मतलब इस तरह बटोही लालच में पड़कर अपने विवेक टेक दिया और अपनी जान गवा दी। अर्थात जे बटोही इन दौरे लुभत पूरी निजर विवेक माने कि हेरुआई पेलुआर बाबे निजर जीवन हेरुआबो लगा होल। प्यारे बच्चों, बाघ ने
किसका लालच देकर भुटुही को तालाब में फंसाया? प्यारे बच्चों, बाघ ने किसका लालच देकर भुटुही को तालाब में फंसाया? तो सुनो, बाघ ने सोने के कंगन का लालच देकर भुटुही को तालाब में फंसाया। तो प्यारे बच्चों, बाघ की बातें सुनकर भुटुही ने क्या किया बताओ? तो बताओ, ठीक है। तो सुनो, बाघ की बातें सुनकर भुटुही ने तालाब में उतरा। प्यारे बच्चों, तालाब में उतरते ही भुटुही का क्या हाल हुआ? जे जलाशयत नमार पिछते बाटोरार की अवस्था हल? प्यारे बच्चों, तालाब में उतरते ही भुटुही दलदल में फंस गया। तो प्यारे बच्चों, आखिरकार बाघ ने भुटुही का क्या हल किया? आखिरकार बाघ ने भुटुही पर आक्रमण कर दिया। प्यारे बच्चों, चित्रकथा बाघ और भुटुही से हमें क्या सीख मिलती है? जो मरमर लरा छोवाली अकल जे आमी एई पाठटोर जरिए कि शिक्षा पालो? जे चित्रकथा कि होइसे? चित्रकथा होइसे छबिये कथा कय, अर्थात छबिर जरिए आमी बहुत किबा किबि जानिब पारो। छबिर जरिए बहुत माने कि स्टोरी कोआ हय। तो प्यारे बच्चों, चित्रकथा पाक और बटही से हमें क्या सीख मिलती है? तो प्यारे बच्चों, प्रस्तुत चित्रकथा बाघ और भुटुही से हमें यह सीख मिलती है कि हर परिस्थिति में विवेक से काम ले और लालच ना करे। अगर भुटुही की तरह विवेक त्याग दोगे तो भुटुही की तरह ही हाल होगा। आप यह बात हमेशा याद करके जीवन में आगे बढ़ना। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि यह पाठ आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा। तो आज इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी।